स्वागत है सभी का टीआरडी चैनल में। गाइज आज हम करने वाले होली फोटो डिंग। गाइज इस तरह का ये और करेगा भी कैसे, नया कंसेप्ट आपके लिए लाए हूँ। यू लौंडिया पटा देंगे इस तरह का एडिटिंग करने से, आप एक एक लौंडिया पटा देंगे। और इस तरह का एडिटिंग जरूर से जरूर, मेरे बात मानो, इस तरह का एडिटिंग जरूर से जरूर करो। वाकई में एडिटिंग बहुत ही खास होने वाली है और होली एडिटिंग होने में इस बार मैं सोच रहा हूँ होली में बहुत सारे लौंडिया पटा दूंगा और इस एडिटिंग से मैं 4-5 लौंडिया पटा दूंगा। और गाइस इस तरह का एडिटिंग कीजिए, बहुत ही खतरनाक होने वाली है। तो भाई तो बैकग्राउंड एंड टीएनजी सब डेस्कटॉप में मिल जाएगी। लेट्स बिगिन गाइस, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो गाइस, गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है डिस्क्रिप्शन से और बैकग्राउंड पीएनजी सब मिल जाएगी, आप सब डाउनलोड कर सकते हो। आपको वीडियो को पूरा वॉच करके ही जाना है, ओके। और एक एक स्टेप बहुत ही लाजिम है और एक एक स्टेप आपको यूज़ करना है। और जैसे कि मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, सारा का सारा पीएनजी को कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ आपको उसको सब देख कर जाना है, नहीं तो आपको एडिटिंग में दिक्कत होगी, ओके। सो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ और देख सकते हो यहाँ से मैं पिक्सआर्ट का टूल यूज़ करके, कटआउट टूल यूज़ करके बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, ओके। और बारीकी से धीरे धीरे से इरेज करने से अच्छे से एडिटिंग हो जाती है, ओके। कोई इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ से ऐड कर लेनी है फोटो में और ड्रॉ में जाकर भी ऐड कर सकते हो। एक अच्छी एडिटिंग बनती है ड्रॉ में एडिटिंग करने से। और यहाँ से आपको क्या करना है, सेव कर लेना है ड्रॉ में। आपको यहाँ से एक ब्रश को आपको ब्लैक कलर कर लेकर आपको यहाँ से डालना है, ओके। जैसे कि शैडो बना हुआ है और यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ और हल्का हल्का सा रहना चाहिए, ओके। और यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद आपको जाना है आर्ट फोटो में। आर्ट फोटो में जाने के बाद आपको एक स्मोक पीएनजी ले आना है और उसको ऐसे रखना है जैसे कि मैं रख रहा हूँ। आप दोस्तों अच्छे से वॉच करके जाइएगा और एक अच्छे एडिटर बनेंगे। और मैं मोबाइल से एडिटिंग करता हूँ, मेरे पास फोटोशॉप नहीं है या फिर कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप कुछ भी नहीं है, मैं मोबाइल से ही सब कुछ एडिटिंग करता हूँ। मोबाइल से थंबनेल बनाता हूँ और थंबनेल अच्छे नहीं दिखते हैं, अच्छे क्लैरिटी में नहीं आते हैं, तो क्या हुआ, मैं एडिटिंग अच्छे से कर लेता हूँ। आप इस कंसेप्ट को आपको देखकर आप बना सकते हैं, अपने कंप्यूटर में अच्छे से क्लैरिटी देखकर आप बना सकते हैं। और यहाँ से मैं मोबाइल, मेरे पास कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं है इसलिए मैं मोबाइल से ही सब कुछ करता हूँ। और यहाँ से आप देख सकते हो मैं डाल रहा हूँ, मेरे साथ कुछ दिक्कत हो गया था मैंने इसीलिए मैंने हटा लिया उसे। और यहाँ से मैंने फिर से स्मोक को ऐड किया हूँ और इस तरीके से स्मोक को ऐड करने से बहुत ही अच्छी बन जाती है। और गाइस यहाँ से एक स्मोक बम का एक पीएनजी वो इस तरीके का है और आपको इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेना है और यहाँ से सेव कर लेना है। गाइस कंसेप्ट को अच्छी तरह से बुझिए, बिल्कुल नया कंसेप्ट है और आप एडिटिंग करेंगे तो आपकी एडिटिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से आप वॉच करके जाएंगे। गाइस लाइक और शेयर कर लीजिएगा और अपनी फ्रेंड वालों के साथ शेयर कर लीजिएगा और ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। और यहाँ से डन कर लेते हैं और डन नहीं करना है, ओके। मैं बताता हूँ आपको डन नहीं करना है, उसके बाद आपको पीएनजी डालना है, उसके ऊपर पीएनजी डालना है, आपको बिल्कुल डन नहीं करना है, ओके। आपको पीएनजी डालना है, मैं बता जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे वैसे करते जाइए, आपकी एडिटिंग बहुत ही अच्छी बनेगी। आपको इस वाले पीएनजी को ऐड करना है, जब तक मैं डन नहीं करना बोलूँगा तो आपको नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। और इस तरह के कुछ स्टेप्स मैंने लिए थे जब मैं एडिटिंग कर रहा था, तभी से एडिटिंग बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ से मैं पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ऐड कर लाऊँ, आपको बिल्कुल सेम इस तरह से ऐड करनी है। और यहाँ से पीएनजी को ऐड कर लेते हैं और इरेजर पे चलते हैं और इसे आप शैडो वाडो भी देख सकते हो, ओके। मैं पीएनजी में शैडो नहीं डालूँगा, मैं दिख रहा था शैडो अच्छा लगता है कि नहीं। और यहाँ से मैं इरेजर में चला जाऊँगा और मूव डाउन करके भी देख सकते हो कि किस तरह से आपकी फ़ोटो में जच रही है या नहीं। और मैं यहाँ से मूव अप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इरेजर में चला जाता हूँ और हल्का सा इरेज कर लेता हूँ। इरेजर कैपेसिटी को मैं 50% रखता हूँ और हल्का सा इरेज कर लेता हूँ नीचे से और यहाँ से मैं शेव कर लेता हूँ, ओके ओके। यहाँ से सेव नहीं करना है आपको, होली एप टेक्स्ट डाल लेना है वहीं से, एक सेव नहीं करना है, आप वहीं पर टेक्स्ट लिखा होगा होली टेक्स्ट आपको डाल लेना है। होली टेक्स्ट आपको डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, कुछ इस तरह से सिंपल फॉन्ट रहेगी, इसे मूव डाउन करना है। मूव डाउन करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। अगर आपकी मॉडल को नहीं डन कर देंगे
तो डर नहीं करेंगे तो ये पीछे चला जाता और बहुत आसान होता। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, फुल वीडियो को वॉच कर लीजिएगा और एडिटिंग में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मुझे इरेजिंग करना पड़ रहा है। ओके, मैं इरेजिंग भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छे से इरेजिंग कर लेंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप अभी इस तरीके से एडिटिंग कर लेंगे। अगर आप फ़ोटो को सेव नहीं करते तो PNG डाल के एडिटिंग करते तो इस फोटो को आप बैक पर ले जाते बहुत ही आसानी से, ये वाली इरेजिंग नहीं करनी पड़ती। ओके, इस होली PNG को थोड़ा सा कैपेसिटी घटा दीजिएगा। ओके, यहाँ से आप डन कर लीजिएगा, अब डन कर लीजिएगा। अब डन करने से कोई बात नहीं, एडिटिंग आपकी बहुत ही खतरनाक बन जाएगी। और यही ट्रिक मैं बताने वाला था, मैंने उसी लिए डन करना, सेव करना नहीं चाहता था। ओके, और यहाँ से मल्टीपल करना है और एक PNG डालकर, फाइनल PNG जो डालना है, और इसको ऐसे कुछ डालकर आपको एडिटिंग करना है। दोस्तों, फुल वीडियो को वॉच करके जाएगा और कुछ ना कुछ सीख कर जाएगा। ओके, मिलते हैं